को अगर वो देख लेते तो डिपार्टमेंट जो डिसीजन ले आते और अब मुझे नहीं मालूम, लेकिन बाद में जो कॉमन रूम हुआ वो उर्दू डिपार्टमेंट था। उर्दू डिपार्टमेंट के अलावा वहां तो जाहिर है सब लोग उठ जाने वाले ही थे, तलबा भी साथ हो जाते और डीपी मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, काली प्रसाद वगैरह उनका एहतराम करते। और एक वाकया बहुत दिलचस्प है लेकिन खैर मैं उससे गुजर कर रहा हूं। दूसरी बात यह है कि मैंने मजाज को कॉफी हाउस में उस वक्त तक दाखिल होते नहीं देखा जब तक उनकी जेब में 3-4 लोगों को कॉफी पिलाने के पैसे न होते, अपनी जेब में दिया सलाई न होती और सिगरेट न होती। वो दूसरों की काफी कबूल कर लेते लेकिन मैंने उनको किसी से कॉफी की फरमाइश करते हुए नहीं देखा। बेहद खुददार इंसान थे वो सब, जिसकी ऐ रोशनी है तबा तू बनमन बलाशुदी, यानी मेरे मिजाज की जो रोशनी है, जो चमक है, जिसका जिक्र मलिक ज़ारा साहब ने किया, वो मजाज के लिए मुसीबत, मजाज की तरह की बर्बादी का सबब बनते हैं। मजाज इतने हाजिर जवाब न होते, मजाज महफिलों पर इस तरह छा जाने वाले न होते, मजाज महफिलों को इस तरह रंगीन बनाने वाले न होते तो उनके वो चाहने वाले न होते जो उनको कहवा खाने में ले जाते, जो उनको शराब खाने में ले जाते थे, अपनी महफिलों को, अपनी सोहबतों को रोशन बनाने के, उनमें लुत्फ पैदा करते, मजाज ड्राई होते तो ये कैफियत न होती। मजाज को उनकी बदासंजी ने, उनकी हाजिर जवाबी ने इस कदर मकबूल बना दिया था कि वो लोग भी जो किसी तरह से इस काबिल नहीं थे कि उनके दोस्त बन थे, उनके दोस्त बन गए थे और जो हुआ वो तो मालूम ही है। मुझे एक बहुत दिलचस्प वाकया याद आ रहा है। अहमद जमाल पाशा ने, भाई मैं ज्यादा वक्त लूं तो मुझे मना कर दीजिएगा, अहमद जमाल पाशा ने नया नया रिश्ता शुरू किया था, उनका पहला मिजाजिया था सिगरेट पीना। उन्होंने एक अपने सीनियर अदीब से होते हुए मोहम्मद हसन साहब को दिखलाया तो मोहम्मद हसन साहब ने उनको पटनाई करना शुरू किया और एक दिन मेरे सामने कहा कि भाई इनकी कोई चीज मजाक को सुना दी जाए। पुराना यूनिवर्सल, ये साहू के बाद जो 4 दरों और 5 दरों की दुकान थी यूनिवर्सल, उसके सामने एक पान की बहुत बड़ी दुकान थी जहां सिगार वगैरह मिलते थे। वहां मैंने देखा सुना कि मजाज जमाल से कह रहे हैं भाई खूब लिखते हो, भाई खूब लिखते हो, मुझे मेरी जुबान में वो ताकत नहीं कि मैं वो उस तरह से बयान कर सकूं जैसे उन्होंने कहा था, लेकिन मुझे फौरन एहसास हुआ कि मोहम्मद हसन साहब इसमें उनकी कोई चीज उनको मजाक को सुनाने में कामयाब हो गई। पीछे आगा सोहेल और हसन आबिद से, तो हसन आबिद के चेहरे पर जो मुस्कुराहट आई, उन्होंने कहा नहीं, किसी ने कहा नहीं उससे, लेकिन मेरा अंदाजा यह है कि उन्हें मजाज का मजमून सुनाने का काम हसन आबिद ने अंजाम दिया था। तो एक दिन मजाज जा रहे थे और लोग रहे होंगे उनके साथ, मैं नहीं था, आ रहे थे ब्रिटिश मुकदमों के सामने, उस जमाने में आज का हसरगंज नहीं था, आग बंद करके आप चल सकते थे, फरहतुल्ला अंसारी इंफॉर्मेशन से आ रहे थे, ये जो बापू भवन है यहाँ पहले इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट हुआ, उसके बाद वो शिफ्ट हुआ जहां अब नई बिल्डिंग बनने के बाद अब
मैं 52 से मैंने नया दौर में लिखना शुरू, 53 से नया दौर में लिखना शुरू किया और उससे पहले मैं आजकल में छप चुका था। फजलुल्लाह अंसारी साहब आ रहे थे और उन्होंने मजाज को देखा और कहा कि मजाज कुछ लिखा तुमने, कुछ कहा तुमने। और मजाज ने जिस तरह से जवाब दिया, जी हाँ, वो कुछ अदब के साथ, इस्लाम के साथ, तो मुझे हैरत हुई कि कोई शख्स मजाज से भी इस तरह बात कर सकता है। ये तो बहुत वर्षों के बाद मुझे मालूम हुआ कि वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मजाज से सीखे आते थे। तो उन्होंने कहा जी हाँ वो लिखा है और पूरा कर रहा हूं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आबिद तुम इनको इनसे तकाजा करते रहना और इनसे बदल लेके मुझे देना। वो नया दौर के इच्छक थे। खैर मैं तकाजा क्या करता, मेरी क्या हिम्मत थी, लेकिन याद दिला देता था उनको। और उन्होंने मेरा तो क्या हैसियत थी, अब भी क्या है, फलक साहब का वो इतना एहतराम करते थे और इतना डरते थे उनसे कि उन्होंने वो गजल मुझे दी। और उस गजल के मेरा ख्याल ही वाकया से 52 है, 52 तो हो गए इस बार। वो गजल मुझे दी और वो गजल मैं नहीं समझता कि किसी शायर ने अपनी मौत की इतनी वाज़े पेशेंगोई की। मुझे तीन शेर याद हैं, 5 या 6 अशार की गजल के। तेरी आवाज आई आसमां से मगर मैं जानिबे दिल देखता हूं, तेरी आवाज आई आसमां से मगर मैं जानिबे दिल देखता हूं, इशारा है तेरा तूफान की जानिब मगर मैं हूं कि साहिल देखता हूं, तूफान जिंदगी साहिल मौत, इशारा है तेरा तूफान की जानिब मगर मैं हूं कि साहिल देखता हूं। और आखिरी शेर में तो लिख दिया है अपनी मौत। इस शेर को जो कुलियात मजाज आया है उसमें गलत तरीके से इसका एक दूसरा गलत लिखा गया है। मजाज और मैं कदे में सरबदान, मजाज और मैं कदे में सर जमीन में डाले हुए पड़ा, मजाज और मैं कदे में सरबदान हूं, माले जो में बातिल देखता हूं। जो गुरूर था, जो बड़ी शायरी का गुरूर था और बड़ी मकबूलियत का गुरूर था, उसका मैं अब ये नतीजा देख रहा हूं। और यही हुआ और उसी सबब से हुआ कि उनको जिन तीन लोगों ने अपनी महफिल को रंगीन बनाने के लिए उन्हें ले गए थे, सदर जाफरी ताला डालाए थे कि शाम को हम आएंगे तुम्हें ले जाएंगे, लेकिन किस तरह से वो बाहर निकले ये सरदार जाफरी लिखा है, मेरे इल्म नहीं, मेरा जाती तजर्बा नहीं। बहरा उसके बाद तो खैर कयामत हो गई और मैं नहीं समझता कि लखनऊ के पढ़े लिखे लोगों का इतना बड़ा मजमा, इतना बड़ा जनाजा इस शहर ने कभी देखा। कौन नहीं था, बंदे भाई थे। ये अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की नहीं बल्कि उर्दू तलबा की ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस थी जिसके कन्वीनर या प्रेसिडेंट शाहिदुद्दौला थे और आरिफ तकवी बहुत एक्टिव थे उसमें क्या थे। और जिस वक्त वो तस्वीर दारा गंगा प्रसाद मेमोरियल हॉल में खींची जा रही थी जो तारीखी तस्वीर है, मैं मौजूद था, लेकिन एक तो मेरा कद छोटा, बड़े बड़े लोग आगे चले गए थे, और दूसरे ये अच्छा नहीं लगा कि खाली यूं सब दिखाऊं अपना, तो मैं पीछे चला गया था। उस जलसे में कौन नहीं था, बल्ले भाई मौजूद थे, डॉक्टर अली मौजूद थे, नियाज हैदर थे और तरक्की पसंदों के और अदीबों सारे अदीब मौजूद थे। और जनाजे में कौन सा हिंदी का अदीब था जो नहीं था,
कौन सा आर्टिस्ट था जो नहीं था, कौन सा फोटोग्राफर था, लिटिल थे और अमृता नागर थे, यशपाल थे, शरद साहब ने अपनी किताब में लिखा है, उन लोगों के नाम लिए हैं जो जिन्होंने उनको जनाजे में पहली बार कांधा दिया, और चूंकि उन्होंने लिखा है और ये उनकी तहकीक है इसलिए ये मुझे बताएंगे। लखनऊ में ऐसा सन्नाटा, बलरामपुर में ऐसी भीड़ और लोगों के चेहरे पर ऐसी मायूसी, एक शख्स थे, दो शख्स अशख्स थे, चार लोग तो आपने देखी होगी, लेकिन यहां से वहां तक हर शख्स रो रहा था, हर किसी के आंसू नहीं झुक रहे थे, किसी से बात नहीं करते बढ़ रही थी। और जब जलसा हुआ, जफायाम के लब में दूसरे रोज या तीसरे रोज, तो मजाज ने नौ क्या शेर था उसका है, मैं नहीं हूं तो मेरे चाहने वाले हैं बहुत, मैं नहीं हूं, ये भी उनके कुलियात में दूसरा दूसरा गलत लिखा, मैं नहीं हूं तो मेरे चाहने वाले हैं बहुत, वाह क्या खूब चली रस्म वफा मेरे बात, और शायरी को कोई गुस्सा न मिला मेरे बात, ये उसका एक मिसाल था। तो मजाज की मकबूलियत का ये आलम था कि वो शख्स, हर वो शख्स जो अपने आप को पढ़ा लिखा या पढ़े लिखों से आशना या अदब से दिलचस्पी रखने वाला साबित करना चाहता था, वो अपने आप को मजाज का दोस्त था। इस सिलसिले का एक अलमिया, एक ट्रेजी कॉमेडी बन गई, वो कॉमेडी भी सुन ली। मजाज के इंतकाल के बाद मंजर सलीम ने एमए का डिसर्टेशन मजाज पर लिखा, जो सोर्स बुक है, बुनियादी किताब है, उसी एक चिराग से सारे चिराग जलाए गए, वो जलाए जाते रहेंगे। उसमें पहली बार इशारा है कि औरत का तरक्की, औरत का तसव्वुर सबसे पहले मजाज ने पेश किया, और उस वक्त तक जब मजाज की अहम छपी, फैज का मजमूया कलाम भी नहीं छपा था और फैज मकबूल भी नहीं हुए थे, वो उस वक्त कर्नल थे और मजाज मजाज थे। उनका उनकी किताब मैंने छापी थी, उसका पहला एडिशन खत्म हो गया, दूसरा एडिशन छापना था, पीछे मंजर सलीम की तस्वीर थी छोटी सी और दो चार सतरें उनके बारे में थी। मजाज मॉस्को जा चुके थे, तस्वीर मेरे पास से खो गई थी, मैं चाहता था कि वही तस्वीर मंजर सलीम की छापूं, अंदर मजाज की तस्वीर थी पेन स्केच, विच इज ए रेयर वन, एक और उनका रेयर स्केच मेरे पास है जिसमें वो खड़े हुए हैं, और एक उनकी तहरीर रेयर है जो कहीं नहीं। तो मुझसे किसी ने बताया कि वो प्रिंटिंग प्रेस, उसका नाम न्यू था, नूर मंदिर के पीछे, वो बहुत अच्छा है और वो छाप देगा। खैर उनको दिखाया, उनका हाथ ठीक है छप जाएगी, उस जो उसके मालिक थे वो अपने आप को इल्म नजूम और रमान फलाना और धमाका इन सब का माहिर समझते थे, और लोग भी समझते थे, वो दावा भी करते थे। तो उन्होंने मजाज की तस्वीर देखी और कहा, ठंडी सांस भरी और कहा कि मजाज से तो मैंने पहले ही कह दिया था कि तुम्हारी मौत शराब खाने में होगी। जो शख्स मजाज को पहचानता नहीं था, जो शख्स मजाज को जानता नहीं था, वो मजाज से अपनी वाकफियत का दावेदार था, इसलिए कि मजाज को जानना, मजाज को पहचानना अपने आप को पढ़ा लिखा साबित करने के लिए जरूरी था। और आज ये जलसा करके मुंतजमीन ने ये सब उस बात को
मेरे उस खदशे को, मेरे उस डर को गलत साबित कर दिया है कि कॉफी हाउस में जाके अगर आप बैठिए और इत्तेफाक से शारिफ, आरिफ, मैं या लतीफ या दो एक लोग और हूं तो बात दूसरी है, वरना मजाज खुद आके आज कॉफी हाउस में बैठ जाएं तो उनको पहचानने वाला कोई नहीं मिलेगा। शुक्रिया।